अस्सलाम वालेकुम, आयशास किचन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा डेजर्ट जो बहुत ही आसानी से, आम के मौसम में अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है जो सभी को पसंद आएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है फ्रूट केक। यहाँ पर हमने लिए हैं 4 आम, 2 बड़े साइज में लिए हैं, 2 छोटे साइज के जो आम हैं हम उसकी प्यूरी बनाएंगे और 2 बड़े आम को बड़ी बड़ी क्यूब में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है मैंगो का कस्टर्ड पाउडर, मैंगो की ही जेली पाउडर लिया है। जेली पाउडर को हमें क्या करना है, 3 कप पानी डाल के गर्म पानी में इसको अच्छे से पका लेना है और एक साइड रख देना है। यहाँ कंडेंस मिल्क लिया हमने, कुछ दूध हम इस्तेमाल करेंगे जब हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं। एक बाउल में हम सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर डालेंगे इस तरीके से। हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे, विस्कर की हेल्प से विस्क करेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड पाउडर में लम्स भी ना आए। इस तरीके से थोड़ा सा दूध और लेंगे हम। हम इसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये कम लग रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब चलाएंगे इसे अच्छी तरीके से ताकि इसमें एक भी लम्स ना आए। हमारा मिक्सचर तैयार है, चलते हैं आगे। अब एक कढ़ाई में हमने आधा लीटर दूध ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप से कम चीनी। पहले इसे चलाएंगे अच्छे से। हल्का हल्का हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपना कस्टर्ड मिक्सचर डालते हुए थोड़ा थोड़ा सा डाल के और विस्क करते जाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल ध्यान से करना है हमें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। धीरे धीरे करके सारा मिक्स करना है पहले अच्छी तरीके से। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और थोड़ा थिक होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको पूरा डाल दिया है ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हम इसे लगातार चला रहे थे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक हो चुका है जिस तरीके का हमें चाहिए। अब अपना फ्लेम बंद कर देंगे और एक साइड पे हमने एक पैन में 3 कप पानी से ज्यादा लेकर अपनी जेली तैयार कर लेंगे। हमारी जेली बिल्कुल बनकर तैयार है, अब इसे एक साइड पे रख देंगे ठंडी होने के लिए। अब चलते हैं अपनी प्यूरी की तरफ। प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक जार लिया है, अपने मैंगोज डालेंगे हम जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अमूल की फ्रेश क्रीम। अगर आप घर
की क्रीम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब एक चम्मच हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क ताकि फ्लेवर और टेस्ट और अच्छा हो जाए हमारी प्यूरी का। एक चम्मच भरकर हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अब इसका बिल्कुल बारीक हम बिल्कुल प्यूरी बना लेंगे इसकी। हमारी सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जेली भी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, कस्टर्ड, टोमेटो, मैंगो प्यूरी और हमने मैंगो की स्लाइसेस को इतने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हमने थोड़े से केक को इस तरीके से क्रम में बना लिया है। अब हम आपको व्हिप्ड क्रीम दिखाते हैं। हमने व्हिप्ड क्रीम को एक जार में इतनी अच्छी तरीके से बीट किया है जो ये बिल्कुल बाजार की तरह बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्हिप्ड क्रीम बनी है हमारी। अगर आपके पास ब्लेंडर या बीटर ना हो तो आप घर में भी आसानी से बाजार जैसी व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं इस तरीके की। तो आइए सबसे पहले अपना डेजर्ट बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। चले जाएंगे और स्प्रेड करते चले जाएंगे अपने कस्टर्ड को। हमारी पहली लेयर कंप्लीट हो चुकी है कस्टर्ड के साथ। अब इसमें केक लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। हमने कस्टर्ड को केक से पूरा कवर कर दिया है। अब इस पे हम थर्ड लेयर लगाएंगे मैंगो प्यूरी की। अपने केक को अच्छी तरीके से हम प्यूरी से ढक देंगे इस तरीके से स्प्रेड करते हुए। हमारी थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो के क्यूब्स। इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। चुकी है आप देख सकते हैं। अब हम इस पे डालना शुरू करेंगे अपनी मैंगो जेली। इस तरीके से धीरे धीरे डालते रहेंगे और सारे मैंगो पे स्प्रेड कर देंगे। हमारी पांचवी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम डालेंगे फिर से हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। ध्यान से डालना है क्योंकि हम कस्टर्ड इस बार जेली के ऊपर डाल रहे हैं। हमारी छठी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे हम डालेंगे केक का क्रम। इस तरीके से स्प्रेड करते चले जाएंगे। इस तरीके से हमने सब तरफ स्प्रेड कर दिया है। हमारी छठी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे टैप टैप कर देंगे नीचे की साइड पे ताकि हमारे क्रम्स अच्छी तरीके से कस्टर्ड पर बैठ जाए। अब हम इस पर डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। हमारी क्रीम की लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमारी मैंगो प्यूरी थी हमने इसमें 2 चम्मच पाउडर शुगर ऐड की है और इसमें डाला है थोड़ा सा येलो फ्रूट फूड कलर। आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच कंडेंस मिल्क मिला के हमने ये प्यूरी को तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब हम किचन इंजेक्शन से इसमें प्यूरी को भरेंगे इस तरीके से।
अगर आपके पास किचन इंजेक्शन नहीं है तो आप सिंपल सिरिंज भी ले सकते हैं। अब हम अपने इंजेक्शन से इस पर गोल सर्कल से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। फिर दूसरी लाइन बनाएंगे इस तरीके से। हमने सारी लाइंस इस तरीके से बना ली हैं। अब एक स्क्रूवर की मदद से आप टूथपिक भी ले सकते हैं अगर आपके पास ना हो। पहले हम अंदर से इसको लेते हुए बाहर आएंगे इस तरीके से, फिर ऊपर की तरफ से नीचे लेते हुए जाएंगे इस तरीके से। एक और दिखा देते हैं, पहले इस तरीके से बाहर लाएंगे और फिर अंदर लेके जाएंगे इस तरीके से। सारा बना लेंगे। मैंगो डेजर्ट बनके तैयार है, आप देख सकते हैं डिजाइन। अगर आपके पास इंजेक्शन या कुछ भी चीज नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी प्यूरी को स्प्रेड कर सकते हैं और अपनी मनचाहा कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए देंगे, फिर कट करके दिखाते हैं आपको। यह है हमारा डेजर्ट का फाइनल लुक। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अच्छी तरीके से जब ये चिल्ड हो चुका है तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। हमें बिल्कुल ध्यान से इसको निकालना है, धीरे धीरे करके निकालेंगे आराम से इस तरीके से। ये बहुत ही मजे का और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, आप देख सकते हैं जो कुछ ही मिनटों में और बहुत ही जबरदस्त और मजेदार बनकर तैयार होता है इस तरीके से। अगर हमारी मेहनत और वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और कीप वॉचिंग।